रवि राणा ने जो बोला है वो भविष्य में सही हो सकता है, हो ना आवश्यक भी है। माननीय उद्धव ठाकरे जी कई साल तक मतलब बीजेपी के साथ रहे, माननीय बाला साहब ठाकरे जी का और बीजेपी के साथ अलायंस कई सालों तक रहा, लेकिन कुछ कारणवश मतलब माननीय उद्धव ठाकरे जी के कांग्रेस एनसीपी की तरफ जाने के कारण ही अलायंस टूटा था। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी अगर आते तो उनका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मतलब चुनाव प्रचार में बोला भी था कि भाई उद्धव ठाकरे जी भी हमारे साथ आ सकते हैं, शरद पवार भी हमारे साथ आ सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर उद्धव ठाकरे जी आते हैं तो उनका तो स्वागत ही है। और रवि राणा जी ने जो भविष्य मतलब वाणी की है तो वो सर्जवाणी से हमको भी लगता है उद्धव ठाकरे जी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं और कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर अगर हमारे साथ आते हैं उनका हम स्वागत करने के लिए तैयार है। जयराम बॉडी है, देश की जनता देख रही है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक एक पार्टी के फेवर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक पार्टी का फेवर नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लेने के लिए मतलब बॉडी होती है, जिनको बहुमत मिलता है वो लोग सत्ता में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर इसी तरह का आंच उठाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ही बॉडी है और वो कोई सरकार को बिल्कुल फेवर नहीं कर रही है। जो रुझान आएंगे उसमें जिसको मतलब ज्यादा सीटें मिलेगी वो तो सत्ता में आते हैं। आज तक 70 साल तक कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में रही, अभी बीजेपी का वक्त आ गया है, मोदी जी का वक्त आ गया है। तो जनता मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पूरे रुझान जो आए है एग्जिट पोल के वो मोदी जी के फेवर में है और हम 400 तक सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हाँ, तो मतलब बीजेपी की सरकार अरुणाचल में आई है, वहाँ मतलब पहले भी वहाँ तो सरकार मतलब बीजेपी की थी, तो अरुणाचल की विधानसभा में अच्छा बहुमत बीजेपी को मिला है और जो 3 सीटें एनसीपी को मिली है। तो जो मतलब एनसीपी में गए हुए जो नेता लोग है, जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट मेरी पार्टी के पास भी आई थी और मेरी पार्टी की तरफ से मैं उनको टिकट देने वाला था, लेकिन वो एनसीपी की तरफ चले गए और वो एनसीपी के विधायक बन गए हैं। अगर मैं वो आरपीआई के साथ रहते थे तो आरपीआई के वो विधायक बन सकते थे। तो पांडेचेरी में नागालैंड में जिस तरह हमने 2 लोग चुनकर लाए थे उसी तरह मतलब अरुणाचल में हमारी कोशिश थी, लेकिन वो एनसीपी के पास चले गए। और अच्छी बात है, हमारे अजीत दादा के पास जाने से एनसीपी के 3 लोग चुनकर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। तो मतलब कल नतीजे जो है ये काउंटिंग के बाद नतीजे 12-1 बजे तक आ जाएंगे, और जो मतलब हमारा सपना था, एक हमारी नरेंद्र मोदी जी की भूमिका थी कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको देश का विकास करना है, हमको देश के हर आदमी को न्याय देना है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, दिव्यांगजन हो, सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। तो इसीलिए सरकार आने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि भाई 400 तक सीटें हमको मिल सकती है, और इसीलिए मतलब उसी तरह की कोशिश हुई थी। हमने पूरे 10 साल का लेखा जोखा लोगों के सामने रखा था और लोगों ने मतलब विकास को वोटिंग दिया है, सबसे ज्यादा मोदी जी के नाम पर भी वोटिंग दे दिया है, महंगाई के संबंध में भी वोटिंग दिया है, तो महंगाई कम करने की कोशिश हमारी जरूर है। इसीलिए कल के जो रुझान है ये रुझान मतलब मोदी जी के फेवर में आएंगे, एनडीए के फेवर में आएंगे, और जो इंडिया आघाड़ी के लोग सपने में है कि भाई उनके 295 सीटें चुनकर आएगी, अगर उनकी अगर 295 सीटें चुनकर आती है तो उनका प्रधानमंत्री कौन रहेगा, ये भी हम सवाल पूछना उनको चाहते हैं। और अगर उनका प्रधानमंत्री बनता है तो मैं पहला आदमी रहूंगा उनका स्वागत के लिए, मैं पहली बार उनके लिए मतलब मैं जाऊंगा फूलमाला लेकर, और अगर वो नहीं बनते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को फूलमाला पहनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने आना चाहिए, ऐसा मैं उनको न्योता देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।